तो गाइस आप लोग देख सकते हो, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा एक नया रिजल्ट निकाल दिया है चयन परिणाम। आप लोग देख सकते हैं कनिष्क सहायक, यानी कि आपका 445 पदों की भर्ती जो निकाले गया था लोक सेवा आयोग के द्वारा, उसका कदर का रिजल्ट है वो चुका है जारी। समय 5 मार्च 2023 को, 5 मार्च को हुआ था। उसके बाद जून में जो है इसके टंकण हुआ था, यानी कि टाइपिंग टेस्ट हुआ था। इसमें अलग अलग गई है, जिसमें आप लोग देख सकते देहरादून रीजन में अगर बात करूँ कनिष्क सहायक पद में, जिसमें शहरी विकास के अंतर्गत देख सकते हैं यहाँ पर जनरल की नाम हम देखते हैं यहाँ पर कट ऑफ इतनी आपके गई है। ये पूरे पूरे यहाँ पर नाम हम लिखे गए हैं यहाँ पर किस किस का कितने कितने नंबर आके हैं। मैं सीधे सीधे आपको कट ऑफ दिखा देता हूँ। कट ऑफ मार्क्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे कितनी कितनी कट ऑफ गई, जिसमें आप लोग देखते हैं देहरादून के अंतर्गत जो है 69 गई है, इसमें काफ़ी गई है। EWS की 66, 63 आपका OBC में गई है, ऐसी 51 यहाँ पर SC में गई है कनिष्क सहायक जो कि डाटा एंट्री ऑपरेटर है। और सबसे कम मैं बता दूं, क्योंकि यहाँ पर कई लोग अलग अलग जनपदवार हो रखे हैं, जनपदवार ही निकाले गए इसमें। 66 आपके यहाँ हरिद्वार में गई है, चमोली में 60 गई है, ऐसे यहाँ पर जनरल का ठीक है। और गौचर चमोली में 61 गया है, इसमें 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 58 गया है OBC का ठीक है, और SC में 51 ऐसे गई है। मैं सबसे लोएस्ट बताता हूँ जनरल की कितनी कम गई है, 62 यहाँ पर है जनरल, और 52 SC का गया है यहाँ पे। जनरल की कट ऑफ लास्ट अनरिजर्व की 59 यहाँ पर गई है, 57, 8 के समथिंग गई है लास्ट ठीक है। यहाँ पर देखिए ये होमगार्ड विभाग के अंदर का कलर में 58 पॉइंट समथिंग गई है, ये सबसे कम आपको देखने को मिलेगा ठीक है। और इसी में OBC में गई है आपकी 57 पॉइंट समथिंग गई है, और यहाँ पर जिसकी चूक गई है 59 ठीक है, 63, 59, 61। और सबसे कम तो इसी के अंतर्गत ऐसी गई है कट ऑफ, हम 62 यहाँ पर भी है, 64 है, ज़्यादातर 60+ वाले हैं। और लास्ट कट ऑफ यहाँ पर 58.9 समथिंग गई है लास्ट जनरल की यहाँ पे ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरी पूरी लिस्ट है, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कैटेगरी वाइज। और बहुत सारे विभागों के अंदर जितनी भी कलर के पोस्ट थी वो सब का रिजल्ट निकाला गया है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं विभाग वार आपका जनपद वार अलग अलग जो जहाँ जहाँ पोस्ट थी वहाँ का रिजल्ट निकाला गया है।